हम और आप दिगंबर जैन आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और अजंत स्त्रीलिंग में पूर्व सत्र में इकारांत सिद्धि शब्द का प्रयोग हमने सिद्ध किया था। अब हम त्रि शब्द की चर्चा आपके बीच में रखते हैं और त्रि शब्द बहुवचनांत शब्द है, इसके एक वचन और द्विवचन में प्रयोग नहीं चलते हैं। यह त्रिलिंगी शब्द है, पुल्लिंग में भी बहुवचन में चलते हैं, नपुंसक लिंग में भी बहुवचन में चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन में चलते हैं। स्त्रीलिंग त्रि शब्द में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति आती है, जस में से जकार का अनुबंध लोप होकर अस शेष रहता है, सूत लगता है स्व सखी, स्व सखी सूत्र से सुसंज्ञा होती है और अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। जसी सूत्र से ई के स्थान पर ए एप आदेश की प्राप्ति है, परंतु स्त्रीलिंग में त्रि शब्द और चत्वार शब्द को नया आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र हमारे बीच में आता है, त्रि चतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री। आपको सामने जो सूत्र नजर आ रहा है इनकी पीडीएफ फाइल में तिस्री में रहने वाली रिरी नजर नहीं आ रही है और चतस्री में रहने वाली रिरी भी नजर नहीं आ रही है। यहां पर त्रि चतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री घोर विभक्त्याम परतः त्रि चतुर्थ स्त्रियां वर्तमानयोः तिस्री चतस्री इति एतौ आदेशौ भवतः। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तिस्री आदेश और चत्वार शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर त्रि शब्द के स्थान पर तिस्री आदेश हो जाने पर ऋकारांत शब्द हमारे बीच में नजर आ रहा है। अब ऋकारांत शब्द की प्रक्रिया जो हमने पूर्व में मातृ शब्द पितृ शब्द क्रोष्टी शब्द धात्री शब्द आदि में जो प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया हमें त्रि के स्थान पर तिस्री आदेश हो जाने पर कार्य करना है, यानी कि त्रि चतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री सूत्र से जब त्रि के स्थान पर तिस्री ऋकारांत आदेश हो जाएगा तो उस ऋकारांत सूत्र के होने पर शब्द के होने पर आपको सूत्र में नजर आ रहा होगा लाल रंग से
तिसरी और चतस्री में रि बनाया गया है। तो यहां पर रितो गी धे सूत्र के माध्यम से रि के स्थान पर एप अर्थात रि के स्थान पर रा की प्राप्ति है। और एक सूत्र और था, एप की प्राप्ति थी अर्थात ऋकार के स्थान पर जो एप आदेश करना था वह अर कहलाता है। रितो गी धे माने रि के स्थान पर एप यानी कि गुण आदेश करना था, अर करना था, परंतु रि के स्थान पर रा आदेश करने के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है रोच्यूहु। ये रोच्यूहु सूत्र कहता है तिसरी चतस्री इति एतयोः ऋकारस्य रेपादेशो भवति अचि परतः। अर्थात ऋतो गी धे सूत्र से जो रिरी को अर एप गुण आदेश करना था उसका निषेध कर रोच्यूहु सूत्र के द्वारा रिरि के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। रा आदेश होने पर अज्जीनम परेण संयुज्यम जो अस का आ था व्याकर सा में मिल जाएगा, रा में मिल जाएगा और सा को हो जाएगा स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। हाँ, उस सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर तीसरा प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में षस विभक्ति के आने पर त्रि शब्द को तीसरी आदेश हो जाने पर अब यहां पर यह विशेष ध्यान रखना है कि जस विभक्ति के आने पर सुटी पूर्वस्वम एक अतिरिक्त सूत्र लगेगा और ऋतों गी धे ये सूत्र लगेंगे, परंतु सस विभक्ति के आने पर सुटी पूर्वस्वम और ऋतों गी धे ये दोनों सूत्र इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि ये दोनों सूत्र धासंज्ञक सुट विभक्ति यानी कि सु औ जस अम औ इन पांच विभक्तियों के होने पर ही कार्य करते हैं और सस विभक्ति इनके बाहर है, सुट संज्ञक नहीं है, धा संज्ञक नहीं है, इसलिए इन दोनों सूत्रों का प्रयोग ना करते हुए सर्वप्रथम त्रि धन सस सकार का अनुबंध लोप होकर अस्वचा स्व सकी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा की अची को यण सूत्र से यकार की प्राप्ति है और ससी सूत्र से दी आदेश की प्राप्ति है। परंतु त्रि चतुरो स्त्रियाम तिस्त्री चतस्त्री सूत्र से त्रि शब्द के स्थान पर तिस्त्री आदेश कर तिस्त्री धन अस इस स्थिति में पुनः ससी सूत्र के माध्यम से जो रि है उसको दी आदेश की प्राप्ति है। पुनः रि को दीर्घ आदेश की प्राप्ति होने पर रोच्यूहु सूत्र के माध्यम से रा के स्थान पर रि के स्थान पर रा आदेश हो जाने पर सा सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। इस सूत्र के माध्यम से सा को रा आदेश
और रा को विसर्ग आदेश करने पर रोच्यु प्रयोग सिद्ध होता है। माने कि रोच्यु सूत्र से तीसरा शब्द की सिद्धि होती है। अब इसी प्रकार से शेष अन्य विभक्तियों में भी हमें त्रि के स्थान पर तीसरी आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। जैसे त्रि धन भिस, अब यहां पर त्रि धन भिस है तो यहां पर सूत्र से त्रि चतुरो स्त्रियां तीसरी चतस्त्री सूत्र के माध्यम से त्रि के स्थान पर तीसरी आदेश हो जाएगा। तीसरी धन भिस यहां पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर तीसरी भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर त्रि शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर अधूमृत सूत्र से मृत संज्ञा त्रिधन भ्यस त्रि चतुरो स्त्रियां तीसरी चतस्त्री सूत्र से त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी आदेश करने पर सजुसोरी विरामे विसर्जनीयः सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर तीसरी भ्य प्रयोग सिद्ध होता है। अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर त्रि धन आम यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और नुम नुट के आगम की भी प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट की प्राप्ति है। परंतु त्रि चतुरो स्त्रियाम स्त्री चतस्त्री सूत्र से त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी आदेश कर तीसरी धन आम इस स्थिति में रोच्यु सूत्र के माध्यम से जो रिरि है उसको रा आदेश की प्राप्ति है और प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट के आगम की प्राप्ति है। दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति है, तो रोच्यु सूत्र से रिरि को रा आदेश और प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम, फिर सूत्र प्राप्त होता है स्पर्धे परम। यह सूत्र कहता है कि जो सूत्र आपने रोच्यु और प्रेल मेवाप चतुरो नुट ये दोनों सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो इन दोनों सूत्रों में जो सूत्र बाद में कहा गया हो उस सूत्र को पहले ग्रहण करना, उसका उपयोग पहले करना। अब जब हम रोच्यु सूत्र की तरफ जाते हैं तो रोच्यु सूत्र का जो हमारा नंबर है उसकी तरफ अगर हम देखें तो रोच्यु सूत्र का जो नंबर है वे हमें प्राप्त होता है और उसके बाद में प्रेल मेवाप चतुरो नुट इस सूत्र का नंबर है पांचवे अध्याय के तीसरे पाद का 36 नंबर का सूत्र
और जो रोच्यु सूत्र हमारे बीच में आया है, उस रोच्यु सूत्र का नंबर है 5 अध्याय के पहले पाद का 159 नंबर का सूत्र, यानी कि त्रेल में बाप चतुरो नुट 5वें अध्याय के पहले पाद के 36 नंबर का सूत्र है। और रोच्यु सूत्र 5वें अध्याय के पहले पाद का 159 नंबर का सूत्र है, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से हमारा कार्य नहीं चलेगा। फिर हमें प्राप्त होता है पूर्वत्रा सिद्धम, उस पूर्वत्रा सिद्धम के माध्यम से 4.5 अध्याय के अंतर्गत जो अन्य सूत्र कहा जाता है वो उसके बाद वाला सूत्र असिद्ध होता है, यानी कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के माध्यम से रोच्यु सूत्र असिद्ध हो जाएगा और प्रैल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से यहां पर उसको नुट के आगम हो जाएगा। पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, चिंतन मनन करते चले जाना है। स्पर्धे परम सूत्र और पूर्वत्रा सिद्धम, इन दोनों का व्यापक अध्ययन हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सूत्र इस व्याकरण के हृदय हैं, हार्द हैं। तो इन दोनों सूत्रों को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हुए हमें प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। तो यहां नुट का आगम हो जाएगा और नुट में से केवल ना बचेगा, ऊ और टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, और उसका लोप हो जाने पर तीसरी धन ना धन आम, यहां पर पूर्व में सूत्र हमारे बीच में आया है और सूत्र में रा और मूर्धन्य सकार से परे ना को नकार आदेश होता है, परंतु एक सूत्र हमारे बीच में आया था, उस सूत्र में रिरि से परे होने पर भी ना को नकार आदेश किया गया था। उस सूत्र में बीच में वह सूत्र दर्शाया गया है और बीच में वह सूत्र होने पर वह यही कहता है कि रि से भी इसको ना को ना आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर जो नाम का ना है, उस नाम के ना को ना आदेश कर दिया जाएगा। अब ये तीसरी में रहने वाली रि है, उसको दीर्घ आदेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि दीर्घ करने वाले सूत्र में तीसरी और चतुस्री शब्द को छोड़कर कहा है, नाम ये तीसरी चतुस्री, अर्थात इन दोनों सूत्रों के लिए, इन दोनों शब्दों के लिए दीर्घ आदेश नहीं होता है। तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है तीसरी नाम, तीसरी शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर त्रि चतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुस्री
सूत्र से तिसरी आदेश हो जाएगा, तिसरी धन सु त्यादेशयो हो, उस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर तिसरी सु प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से चत्वार शब्द को चतस्री आदेश करने पर प्रयोग सिद्ध करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात चतस्राह चतस्राह चतस्री भी चतस्रीभ्या चतस्रीणाम चतस्रीसु चतस्रीसु। अब इकारांत शब्द द्वि, द्वि माने दो शब्द हमारे बीच में आ रहा है और ये शब्द भी केवल द्वि वचन में ही चलता है, लेकिन इस द्वि शब्द तैदादी शब्दों के अंतर्गत आने के कारण तैदादे रा सूत्र से ई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रिया प्रक्रिया में आऊंगा पहा सुटी पूर्व स्वम ऐच्छेप आदि सूत्रों की प्राप्ति होकर द्वि शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में रहेगी। इंतजार कीजिएगा अगले सत्र का और अगले सत्र में इकारांत द्वि शब्द जो द्वि वचनांत है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।